नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देने वाला हूँ इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सिंपल पेपर, ये आपका 6वां हो जाता है। इससे पहले 5 मैंने आपके लिए प्रोवाइड करके नहीं देखे हैं, पेस्ट में आकर देख सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए यहाँ क्या हंड्रेड पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ, 100 पेपर प्रोवाइड वाला हूँ जीडी वालों के लिए। जी हाँ, 100 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ जीडी के लिए। 50% जो आपकी अग्रवाल वाली है, कृष्णा वाली है, ठीक है, तो दोनों की दोनों 50% जीके कवर करा दूंगा इन्हीं में ही, और 50% बचेगी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पे क्या होगा, आपका 45% बिल्कुल 45 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे अगर आपके दोनों की दोनों बुक जो हैं वो कंप्लीट आती हैं, तो 45 क्वेश्चन 50 में से आराम से कवर कर दोगे, ठीक है। और मैथ तो बिल्कुल इजी प्रकार से करवा दूंगा, आप देखते ही देखते मैथ को क्या करोगे, सॉल्व करते रहोगे, ठीक है। तो लास्ट में वीडियो के बने रहिएगा, मैथ को देखिएगा, मैथ किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, बस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। अगर ट्रिक याद हो गई आपके लिए तो बिल्कुल आराम से सॉल्व कर दोगे माइंड ही माइंड में। टाइम होता है 1 आवर्स का, 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स का दिया जाता है, ठीक है। 100 में से 80% क्वेश्चन आप कवर करते हो, मतलब 80% कवर करते हो, ठीक है। 80 क्वेश्चन का 80 अगर नंबर आपके आते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप अगर आप बी ग्रुप में भी रेस मार के आए हैं, सेकेंड ग्रुप में मार के आए हैं, तो आराम से एग्ज़ाम निकाल दोगे, चाहे आपका फिजिकल कितना भी बुरा क्यों ना हो, ठीक है। तो क्या है, 38 से 40 क्वेश्चन अगर आप कवर कर पाते हो बी ग्रुप वाले, तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और ए ग्रुप वाले अगर आप 35 से 38 क्वेश्चन कवर कर पाते हो, तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो वो कह रहा है, वे पहले लोग जिन्होंने भारत पर सबसे पहला व्यापार शुरू किया था, सबसे पहले व्यापार किसने शुरू किया था, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले व्यापार भारत में सबसे पहले उसको किसको दिया जाता है अपना व्यापार संभालने के लिए, पुत्र के लिए, तो पुर्तगाल कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, जेसी ओबेस ग्लोबल अवार्ड किस क्षेत्र में देता है, तो बताइएगा किस क्षेत्र में दिया है, सुना होगा कि खेल क्षेत्र में ही ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो निम्न में से शाम का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे शाम का तारा पूछा जा रहा है, तो किसे कहेंगे, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4, सेसेल्स कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेसेल्स कहाँ स्थित है, प्रशांत हिंद, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फटाफट दिखाने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह जारी किया कि उसका उद्देश्य भारत में एक सरकार की स्थापना करना है, बताइएगा, ब्रिटिश ने कहा था कि भारत में सरकार की स्थापना करना है, पहली बार कहा था, किसमें कहा था, ये आपको बताना है, तो ये किसमें कहा था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अगस्त डिक्लेरेशन 1917, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पहली विद्युत तेल प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो पहले इंजन की थी, धीरे चलती थी, अब क्या हो गई, लाइट की हो गई, तो कैसे चलेगी, तेज चलेगी, दन दना दन चलेगी, दन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रिक हो गई, याद हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो बिल्कुल आप जानते होंगे, यूपी में रहते हैं तो भाई यूपी का पता है आपके लिए, तो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, तो भाई यूपी कहाँ पड़ती है, उत्तर भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो रेडियो के सिग्नल हमारे पहले कहाँ आते थे, छत पर आते थे, तो 36 कहीं है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया था, तो पहला प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, शिवाजी सिख, ठीक है, शिवाजी वाला जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, सिख वाला चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है, इतिहास से, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है ये, वहाँ पूछ लेगा आपके 10वें सिख गुरु कौन थे, 9वें सिख गुरु कौन थे, किसने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों के दोनों चैप्टर क्या है, विकिपीडिया से मैंने पहले तो सारे क्या है नोट्स वहाँ रखे हैं, ठीक है, सब के सब प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपका, 80 से 85% प्लस करवाने वाला हूँ, ठीक है, 85% प्लस की गारंटी, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है, सारे यहाँ चैप्टर क्या है देखते रहिएगा। और पहली बात मैं आपको बता दूँ, मैं 2 आपकी क्लासेस लूँगा, पहले सुबह जीएस वाली आर्मी जीडी की क्लास होगी सुबह वाली, वो क्या होगी, ट्रिक को फॉलो होगी, ठीक है, ट्रिक के अनुसार मैं आपके सारे के सारे याद करवाऊंगा। अगर वही चैप्टर आप शाम को पढ़ते हैं, ठीक है, शाम को भी वही क्लासेस होगी जो आपका टेस्ट होगा,
शाम वाली क्या होगी, टेस्ट होगा, उसमें आपके ट्रिक फॉलो नहीं करवाऊंगा। जिसको ट्रिक फॉलो करना है वो सुबह के लिए जा करेगा, ठीक है, और जिसको ट्रिक फॉलो नहीं करना है वो शाम के लिए जाया करेगा। लाइव क्लासेस लूँगा बिल्कुल अच्छी प्रकार से, सारे के सारे जो हमारे चैप्टर हैं सारे के सारे कवर करवा दूंगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बाहर नहीं आएंगे। और एक जो आपका मैथ है, एक तो यादव वाली है और कृष्णा वाली है, दोनों की दोनों बुकों का जो मैथ है ऐसी ट्रिक के अनुसार याद करवाऊंगा जो कहीं आपको मिलेंगी भी नहीं, ठीक है। ढूंढने से नहीं मिलेंगी भाई, बहुत ढूंढोगे तब कवर कर पाओगे आप उस ट्रिक उन ट्रिकों को, ठीक है। तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल में सारी की सारी ट्रिक फॉलो करके मैंने अपने नोट्स बनाए, नोट्स को तैयार किया है, ठीक है। तो आप बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का, बताइएगा सती प्रथा को अवैध घोषित निम्न में से किसने किया था, बताइएगा सती प्रथा को। ये भी एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड वेंटिंग, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर जी के कवर करवाऊंगा आपके लिए, चैप्टर वाइज चैप्टर के पहले दो क्वेश्चन, ठीक है, कवर करवाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए भाई टाइपिंग करना पड़ेगी, टाइपिंग में समय लगेगा, और समय लगेगा तो भाई आपके लिए क्या है, 100+ पहली बात तो इस पर लाइक आना चाहिए, हर पेपर पे 100+ लाइक आना चाहिए, तब मैं भी आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की, तो रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था, बताइएगा रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 1919 में पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो कह रहा है समुद्र में एक समान ऊंचाई वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समांतर, नौसा, देशांतर, ये भी नहीं है, अच्छा सी है, सही है, ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसोपलेथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 14, तो कह रहा है भारत में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर हीरो के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चैप्टर बनते हैं, एक तो हीरे का, ठीक है, चैप्टर कि हीरे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन सा हीरा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भी बहुत ही प्रकार के हीरे पाए जाते हैं, तो उसमें वो जो आपके इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ठीक है, कौन सा हीरा किस लिए, कौन सा हीरा आभूषण बनाने के लिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये चैप्टर है, सोना वाला चैप्टर है, ठीक है, हीरे वाला चैप्टर है, लोहे वाला चैप्टर हो गया, टीन वाला चैप्टर हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, शीशे वाला चैप्टर हो जाता है, और आपका एक और है पॉलीथिन वाला चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरे पूरे चैप्टर के हैं, चैप्टर बाई चैप्टर आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, सूरत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 के, निम्न में से भारत का राज्य कौन सा बॉक्साइड में मुख्य उत्पादन है, बताइएगा गुजरात है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की, एक बिजली के बल्ब में फिलामेंट का धातु होता है, बताइएगा किसका होता है, टंगस्टन का, भाई पढ़ा है आपने इंटरव्यू में पढ़ा होगा, ये तो चैप्टर था पूरा ही पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की, निम्न में से ऑक्सीकरण किस अवस्था में सकारात्मक ऑक्सीकरण दिखाती है, बताइएगा ये सी ओ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, F2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की, ये कह रहा है कौन सी धातु बैटरी के संचालक में प्रयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है, कौन सा धातु बैटरी के संचालक में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेड का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19 की, तो 19 हमारा क्या कह रहा है, विद्युत घटन के नियम किसके द्वारा दिए गए थे, तो बिल्कुल हाथ वाले फैराडे के दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से उदासीन विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच मान कितना होता है, पानी में बदलता था साधारण वाला, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा पीएच मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की, निम्न में से प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किस शीशे का प्रयोग किया था, देखो आ गया शीशे के प्रयोग कि उपकरण बनाने में कौन सा होता है ना, और कौन मतलब कौन कौन से किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, बहुत प्रकार के शीशे होते हैं दे रखे हैं, कठोर शीशा है, कोमल शीशा है, सेफ्टी शीशा है ना, और फायरेक्स शीशा है, पायरेक्स, तो ये पायरेक्स का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो उपकड़वाने में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके एग्जाम में बनने देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 22 की, तो कह रहा है ध्वनि की वह तीव्रता जिससे कान के पर्दों की क्षति पहुँचती है, पढ़ा हुआ है चैप्टर आपने इंटर में, हाई स्कूल में पढ़ा ये चैप्टर, तो 160 डेसिबल होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु हो गया ये, इसमें क्या होगा, पढ़ा है आपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर क्या बचे, दो दो ही बचे, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 23 और 24 कहाँ गया भाई, ये बताइएगा, ये कह रहा है तुरंत सीमेंट को जमने की अवधि क्या है, 10 मिनट भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? वायु, पानी, बर्फ, गुरुत्वाकर्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, पानी द्वारा ही स्थानांतरित होगी एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, तो निम्न में से किससे कैसे कील निर्दिष्ट की जाती है? निम्न में से कैसे कील निर्दिष्ट की जाती है बताइएगा? छेद के व्यास द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से बॉसर किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये कुछ चैप्टर होते हैं, इस प्रकार के चैप्टर एक होता है जिसमें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जो उपकरण होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बस ये, अदरवाइज किसी ने पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, एक बार कभी कभी देखने को मिल जाते हैं इस प्रकार चैप्टर, तो ये भी चैप्टर मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, नट लॉकिंग, मतलब नट को जो लॉक किया जाता है उसके लिए है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की, 28, तो परमाणु के आकार को निम्न में से हम कौन सी इकाई में लिखते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, इकाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसको किसका किस इकाई में लिखा जाता है, तो फर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, 29, तो कह रहा है, 1 किलो विलायक में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, मोलिलिटी कहते हैं इसे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, 30, ट्रैक्टर के पिछले के पहिए में कौन से स्प्रिंग उपयोग किए जाते हैं? ट्रैक्टर के पीछे पहिए में, इसमें तो प्रयोग ही नहीं किए जाते हैं यार, स्प्रिंग इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, CGS की इकाई क्या है? आवेश की CGS इकाई क्या है? तो स्टेट कूलम्ब और ESU दोनों ही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डी सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, 32, किसी वस्तु के तापमान में 1 कूलम बढ़ाने वाली ऊष्मा को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, विशिष्ट ताप इसे कहा जाता है। 33, 33वां क्वेश्चन की बात करें, तो क्या कह रहा है, ड्रिल बिट के सड़ने और किसी धातु पे छेद ना कर पाने का कारण निम्न में से क्या है? ड्रिल बिट के सड़ने और किसी धातु पे छेद ना कर पाने का कारण निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लिप निकासी कोण की अनुपस्थिति या कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो लेजर का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा? लेजर का फुल, हाँ तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेजर की फुल फॉर्म क्या होगी भाई? हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लाइट एम्प्लीफाइड वाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है लेजर की फुल फॉर्म, याद रखना इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मेगा हार्ट से 300 मेगा हार्ट्स की रेडियो आवृत्ति तरंगे निम्न में से किससे संबंधित हैं बताइएगा? किससे हैं? ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बहुत उच्च आवृत्ति बैंड से हो जाती हैं ये। क्या? बहुत उच्च आवृत्ति बैंड से हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैथ के क्वेश्चन को हलुआ ट्रिक, ठीक है, हलुआ ट्रिक के अनुसार देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, और ट्रिक क्या होगी, फास्ट ट्रिक, सबसे फास्ट ट्रिक। ठीक है, तो बिल्कुल क्या है, देखिएगा आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, 36वां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे 81 होना चाहिए था डी वाले में, तो ये ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे तो 81 होगा, तो उन्होंने 81 होगी। ठीक है, आभा संख्या उसे कहते हैं जो, आभा संख्या कहते हैं जैसे कि खुद से कटे किसी और से ना कटे, और भा संख्या उसे कहते हैं जो खुद से ना कट कर बाकी सबसे कट जाए। ठीक है, उसे आभा संख्या कहते हैं, उसे भास आभा संख्या जो खुद से कटे अदरवाइज की संख्या से ना कटे, तो बस बाकी संख्या तो जो है वो कटेंगी ही नहीं, बस 81 हो जाएगा, दोनों में 81, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए था, मगर यहाँ पे 81 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बताइएगा, 37वां। ये कह रहा है, 1056 में सबसे छोटी संख्या कितनी जोड़े की वो
23 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसे भाग देना है बस। क्या दे रखा है, 156 जो दे रखा है इसे, ठीक है, इसे हम भाग देंगे कितने, 23 से, ठीक है। 23 से भाग देंगे तो पहली बार तो 4 बार चला जाएगा ये, तो 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 के 2 4 2 8 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92 जब घटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, फिर हो जाएगा 6। जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 6 6 बार कटेगा, तो ठीक है। तो 6 6 में 6 3 18 के 8 और 6 2 12, 12 2 13, ठीक है। अब इसे घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए था, मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है। 2 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 ऐड कर देंगे तो आराम से कट जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब ये है, इतने से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो जाए, कट जाए पूरा पूरा, ठीक है। पूरा पूरा नहीं कटेगा तो भी ऐड करना पड़ेगा हमें, तो वही पूछा रहा है कितना ऐड करें, ठीक है। तो कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तब ये कट जाएगा पूरा ही पूरा, ठीक है। इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य संख्या की बात करें, छोटी से छोटी, 12 है भी 3 से कट जाती है तो अभाज्य संख्या तो होगी नहीं, तो छोटी कौन सी, 11 होगी। 11 खुद से कटेगी, अदरवाइज किसी संख्या से नहीं कटने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, एक को छोड़कर अदरवाइज किसी संख्या से ना कटे, ठीक है। तो वो क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 11 है वो एक को छोड़कर अदरवाइज किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 11 है। उसके बाद करें तो 13 है, उसके बाद करें तो 17 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, किसी नियमित बहुभुज के कोण, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, ठीक है। अगर आप नहीं आता है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए दे रहा हूँ मैं ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अगर आप इसे अच्छे प्रकार से देखोगे, खुद सॉल्व करोगे, तो आपके बिल्कुल माइंड में ये फिक्स हो जाएगा कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही ईजी प्रकार से आप कर पाओगे, इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आए आपके लिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके लिए पूरा के पूरा सोल्यूशन मैं क्या कर दूंगा, एक फ़ोटो सेंड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है ना, एक फ़ोटो सेंड कर दूंगा, आप देख लेना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये टाइम वर्क का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आया तो शॉर्ट ट्रिक अपनाना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। पी क्यू और आर किसी काम को करने में क्रमशः 24 30 और 40 दिन लगाते हैं, ठीक है। वे लोग काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन आर काम खत्म करने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो वे लोग उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। सभी लोग की बात कर रहे हैं कि सभी लोग कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहली लाइन ये क्यों डाली, यहाँ पे दे रहा है कि 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, जहाँ पर पहले की बात कहे तो क्या करना है हमें, उसका टाइम ऐड कर देना है, ठीक है। और जहाँ पर बाद की बात करे वहाँ पर क्या कर देना है हमें, माइनस कर देना है उसका टाइम, क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है भाई, पहले तो हम क्या करेंगे, 24, ठीक है, और क्या दे रहा है, 30 दे रहा है, उसके बाद 40 दे रहा है। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 हमारा आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, 120 एलसीएम हो जाएगा। अब वो कह रहा है काम को भाई पहले छोड़ के जा रहा है, तो 4 दिन का काम किसका, आर आर छोड़ के जा रहा है ना, तो आर यहाँ पे है जो आर वाला है 40, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, मतलब ये एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक दिन का 4, एक दिन में 3 काम करता है। तो वह कह रहा है भाई कि 4 दिन पहले आर छोड़ के भाग गया, तो 4 दिन का काम कितना हो गया, 4 3 12, मतलब 12 अभी इसमें और ऐड करता तो वो साथ में काम कर सकता था, तो हम 12 ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। जब हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा, 132, ठीक है, 132 हो जाएगा। मतलब 132 अगर काम होता तो सब लोग जो तीनों लोग थे वो एंड तक काम कर पाते, ठीक है, तो तीनों लोग एंड तक काम कर पाते 132 होता तो भी सबको ऐड कर लीजिएगा, 5 4 9 और 9 4 9 3 12। अब जब 12 से 132 को हम काटेंगे, ठीक है, अब हम 12 को 132 को अगर हम 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 12 एकम 12, तो इस प्रकार से हमारा 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जहाँ पर बात कहे आपकी 4 दिन काम पहले छोड़ देने की, अगर पहले छोड़ने की बात करें तो क्या करना है हमें, ऐड कर देना है। अगर बाद की छोड़ने की बात करें
तुम क्या कर देना, माइनस कर देना है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये बस ट्रिक फॉलो कर लेना, ठीक है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भाई आपके लिए शुरू से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए ट्रिक बताने वाला हूँ। जब आपको मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक है, तब बिल्कुल आपके लिए इजी प्रकार समझाऊँगा, मतलब लो लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है 106, 106 मल्टीप्लाई 106 माइनस 94, 94 उसके बाद का इसके बराबर, किसके बराबर है ये? अगर हम इसे देखें, अगर सूत्र के नज़रिया से देखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सूत्र है बना हुआ ये इस समय, ठीक है। अगर हम इसे फॉलो करेंगे, ठीक है, इसी को ओपन करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी, ये फॉलो होंगे, ठीक है। उसके बाद में ए हमारी कौन सी 106 है, बी हमारी कितनी है 94 है, पहले हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 106 और 94 कितना हो जाएगा भाई, 106 और 94 आपका हो जाएगा 200, ठीक है। उसके बाद ये है से, फिर उसके बाद कह रहा है कि माइनस कर दीजिएगा, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ कितना हो जाएगा भाई, 6 ही आएगा, ठीक है, 6 ही आएगा। 6 कितने हैं, 94 है ना, 106 है, 12 हो जाएगा, ठीक है, आप 12 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2400 आपका आंसर आना चाहिए था, तो 2400 कहीं है, देखिएगा, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी है यहाँ पे, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ेंगे, पहले ऐड करेंगे ए बी को, फिर बढ़ा देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका 2400 आ जाएगा निकल के, ठीक है, बिल्कुल। आप इसी देखो, इस प्रकार का जहाँ पे क्वेश्चन आए ऐसे, तो आप क्या होगा, ट्रिक फॉलो होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए बीजगणित के इतने सूत्र हैं, सारे के सारे याद करना पड़ेंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 की, तो ये कह रहा है एक गोले का क्षेत्र इतना है, उसकी परिधि पता लगाना होगा, बताइए परिधि कितनी होगी। तो गोले का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि की बात करें तो क्या होता है, 2πr होती है, ठीक है, याद रखना आपके लिए, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2πr। अभी क्या दे रखा है, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 1386 दे रखा है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 22 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगी, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगी, ठीक है, आर स्क्वायर बचेगी यहाँ पे, यहाँ पे ये हो जाएगा 1386 मल्टीप्लाई 7 बराबर 22। जब इसे सॉल्व करोगे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे कम जगह है तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता, यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे अच्छे प्रकार से, अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 441, ठीक है। जब इसे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, और ये बराबर किसके होता है, 21 के, तो आर बराबर हमारा निकल के कितने आ गया, 21 आ गया आर बराबर, ठीक है। तो आर बराबर 21, और परिधि क्या होती है, 2πr, परिधि पूछ रहा है, तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है हमारा, 21, 21 × 21 2πr है, ठीक है, आर होती है, तो 21 होगा, 7 × 7 7 × 21 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 4, 4 × 4 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 13, ठीक है, 32 है कहीं भाई, कहीं 32 है, बिल्कुल 132 ये रखा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43वां, कह रहा है दो अंकों वाली एक संख्या, हाँ तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, 43वां क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों वाली एक संख्या 5 गुना ज़्यादा है, उन्हीं दो संख्याओं के योग से, यदि उस संख्या में एक 9, यहाँ पर 9 दे रखा है, ठीक है, 9 जोड़ा जाए तो वह दोनों संख्या आपस में बदल जाती हैं, उन संख्याओं का योग बताइए। अब आप एक बात बताइएगा, कोई संख्या है 2 और 9, मैं सिर्फ मान रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम इसको जो यह कह रहा है दो अंकों संख्या आपस में बदल जाती हैं, तो ये इधर आ जाती है और ये इधर पहुंच जाती है, बस इतना ही होगा। अब आप ये बताइएगा, इसका प्लस और इसका प्लस क्या अलग अलग हो सकता है? तो आप कहोगे 9 2 11, 9 और 1 11, बिल्कुल नहीं होगा भाई, योग करेंगे तो बिल्कुल वही सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे भी कहने कह रहा है कि जो पहले योग था वही बाद में होगा, जो पहले योग था वो वही बाद में होगा, चाहे वे आप सीधा कर दीजिएगा उन अंकों को, चाहे उल्टा कर दीजिएगा, योग वही रहने वाला है, तो बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है,
दो अंकों वाली एक संख्या 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना क्या है, ज़्यादा है, उन्हीं दो संख्याओं के योग से, 5 गुना ज़्यादा है उन्हीं दो संख्याओं के योग से, तो बताइएगा पहली बात, 5 गुना ज़्यादा है उन्हीं दो संख्याओं के योग से। अगर 6 है, 6 संख्या है, 5 गुना ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई अगर 5 करेंगे तो 5 6 30, कभी हो सकता है कि योग निकल कर 6 आ जाए इसका, बताइएगा, क्योंकि 5 गुना ज़्यादा कह रहा है ना, कि दो अंकों वाली एक संख्या 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना उन्हीं दो संख्याओं के योग से, उन्हीं दो संख्याओं के योग से 5 गुना ज़्यादा है। अब बताइएगा अगर इन दोनों का योग करें हम तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा, 3 योग आएगा। अभी 5 गुना ज़्यादा है, 5, अब 3 को करेंगे 5 से, तो 5 3 कितना आएगा, 15 आएगा, नहीं हो सकता ये, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो अब हम सेकंड को देख लेते हैं, ऑप्शन भाई चेक करना सिखा रहा हूँ मैं, सिखा रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे। अब यहाँ पर 7 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 7 है भैया, 7 5 कितनी होती है, 35 होती है, ठीक है, 7 5 क्या होती है, 35 होती है। अब बताइएगा इनका योग, इनका योग कितना हो जाएगा, 5 और 3, 5 3 हो जाएगा 8, 5 3 8, और 8 5 क्या होता है, 40, आ रहा है अभी 35, नहीं आ रहा योग, ये कह रहा है दो अंकों वाली, यहाँ पे क्वेश्चन को देख ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा आपके लिए, कह रहा है दो अंकों वाली एक संख्या 5 गुना ज़्यादा है उन्हीं दो संख्याओं के योग से, मतलब इन दो संख्याओं के योग से 5 गुना ज़्यादा है यही संख्या, ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है, बस इसलिए समझा रहा हूँ, ऑप्शन बाई समझा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो 8 5 40, नहीं आया 35, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से 8 को देख लेते हैं, अगर 8 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 5 क्या होता है भाई, 20 होता है, होना चाहिए था 40, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। अब 9 को कर लेते हैं, 9 5 क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 45, ठीक है, और 9 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, बिल्कुल जुड़ कर तो भी हमारा 9 आ गया, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई 5 से भी तो करना है, 5 ने 45, बिल्कुल 45 भी आ गया, तो ये हमारा सक्सेसफाई हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही होगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या था हमें, यहाँ पे क्वेश्चन में ही बस इतनी लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझना भी कोई ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप 45 सही है, ठीक है, 45 आया था, अगर 9 ऐड करोगे तो आपका 54 आ जाएगा, तो ये अपोजिट भी हो जाएंगे, चेंज भी हो जाएंगे, और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, ऑप्शन ट्रिक है, इसे फॉलो कीजिएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है, ऑप्शन बाई ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये कह रहा है 45, कह रहा है 8 वर्ष के लिए 6% वर्ष की दर से 7,500 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या है, प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो 8 से 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 6 48, 48% निकालना है किसका, 750 का, 750 का जब 48% आप निकालोगे, ठीक है, 750 का जब आप 48% निकालोगे तो इसका सी आंसर आ जाएगा, 36%, आप क्या आ जाएगा, 48% निकाल के देख लीजिएगा, अगर नहीं आता तो बता दे रहा हूँ, ये लिखिएगा इस प्रकार से, ठीक है, 7,500 मल्टीप्लाई कितना निकालना है, 48% निकालना है ना, हाँ 48% निकालना है मल्टीप्लाई 100, ठीक है, जब ये सॉल्व करोगे तो आपका सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, ये कह रहा है दो अंकों की एक संख्या 6 गुना ज़्यादा है उन अंकों के योग से। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, मगर यहाँ पे ऑप्शन की ट्रिक फॉलो मत करना, वरना बहुत समय हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड चलाना है, देखो पहले पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इन क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ऊपरी माइंड से पढ़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो देखते हैं, दो अंकों की एक संख्या 6 गुना ज़्यादा है उन अंकों के योग से, 6 गुना ज़्यादा है उन अंकों के योग से, मगर आगे भी पढ़िएगा, ठीक है, और जब उन अंकों का योग उस संख्या पर जोड़ा जाए तो कितना आता है, 63 आता है। उन संख्याओं का योग जोड़ने की बात कर रहा है यहाँ पे, उन संख्याओं का योग जब जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 63 आता है। तो हमें कौन सी, ये हम करेंगे तो भाई लेंदी पड़ेगा थोड़ा सा, अगर हम ये करेंगे तो भी हमें बिल्कुल शॉर्ट पड़ेगा। तो देख लीजिएगा उन अंकियाओं के योग से, ठीक है, 63 प्राप्त होता है। तो पहले देखिएगा 3 और 2 कितना आता है, 5 5 ऐड करेंगे 63 आ जाएगा, नहीं आएगा। 42, 4 और 2 कितना आता है, 6 6 ऐड करेंगे 42 में 63 आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा है 53, 53 5 और 3 कितना है, 8 8 और 53 में ऐड करेंगे तो 63 आएगा, दबाएगा नहीं आएगा ना। उसी प्रकार 54, 5 और 4 कहते हैं 9 होते हैं, अगर हम 54 में
नौ ऐड करेंगे तो बिल्कुल 63 आने वाला है। तो जब हमारी पहली ही सक्सेस हो गई चीज़, ठीक है, ये हमारी जो क्रिया थी, प्रक्रिया थी, वो हमारी यहाँ पे सक्सेसफाई हो गई, तो हमें ज़रूरी थोड़ी कि हमें इसे भी फॉलो करें। हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है, अगर दो ऑप्शन आते तब हम कर सकते थे, ठीक है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से हमें शॉर्ट लगे उस प्रकार से हमें करना है। पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान से पढ़ना है, तो बिल्कुल शॉर्ट होते हैं। अगर आप इसे अच्छे प्रकार से रिविजन कर लोगे ना, तो माइंड माइंड में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 46 का एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, तो उसमें कितना पानी भरा जाता है। तो वही आयत की बात करता है, आयत कितनी होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होती है, ऊंचाई, ये होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, देखो, क्योंकि जहाँ लेंथी संख्या दे रखी है तो सेंटीमीटर में होगी, यहाँ मीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, सेंटीमीटर में चेंज ही मत कीजिएगा आप, ठीक है। 100 से होती है, 2 2 0 बढ़ जाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। 5 3 15, 15 2 नहीं 30, कहीं 30 दे रखा है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। माइंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आधे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 47 की। राम की कमाई कितनी है, 2,720 रुपये है, और वह उस कमाई का इतने परसेंट खर्च देता है, तो उसकी कुल बचत कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, पहले भाई 720 का 63% 65% निकालोगे, ठीक है, उसके बाद 720 में से घटाओगे। अरे बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई, ये पहले का ज़माना था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि राम की कमाई कितनी, 720 रुपये है, और वह उस कमाई का इतना परसेंट खर्च कर देता है, जब किसी उसके पास 100% ही तो थेंगे, ठीक है, 100% ही तो आइए, इसमें से 100% में से 63% 65% खर्च कर दिया, तो उसके बाद बचा कितना, 35% बचा, ठीक है, 35% बचा। अब आपको क्या करना है, 720 का सिर्फ 35% ही निकालना है, और आपका आंसर आ गया। 0 0 काटेंगे, और 5 2 9 10, 5 7 35, 2 2 3 6, अब 1 2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, सॉरी 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 फ्रेंड सॉरी, यहाँ पे 720 था, ठीक है, मल्टीप्लाई 35% में निकालना था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, 5 7 35 हो जाएगा, 5 2 9 10 हो जाएगा, जब इसे काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 है, ठीक है, 2 3 6 और 2 6 12, तो यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42 के 2, 7 6 42 के 2, एक ही जगह 2 दे रखा है, तो अगले हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 है इसमें, तो कितना हो जाएगा, 252। पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा, आंसर पहले देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन तो बिल्कुल आराम सॉल्व हो जाएंगे। देखो समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम होता है हमारे पास, तो हमें क्या है, शॉर्ट अपनाना है। तो देखो भाई, अगर आप क्वेश्चनों को देखो, कोई भी वीडियो आप वॉच करो, देखो, ठीक है, कोई वीडियो अगर आप देख रहे हो तो उसमें क्या करना है, अगर ये बंदा शॉर्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, तभी उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझिएगा, अगर कोई बंदा शॉर्ट पढ़ाना चाह रहा है तो उसकी वीडियो सबसे पहले देखा करो, ठीक है, क्योंकि कुछ बंदा, अगर आप क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, सॉल्व करते, तो आपके माइंड में वही हो जाएगा कि यार मुझे पूरा ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कि यार ये आंसर है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं आपको समझना है यार, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे कोई बंदा शॉर्ट पढ़ाना चाह रहा है, शॉर्ट पढ़ाना चाहता है आपके लिए, तो वहाँ पर सबसे पहले आप पढ़िएगा, ठीक है, सबसे पहले उसे वॉच कीजिएगा। अगर आप शॉर्ट पढ़ पाओगे, वह शॉर्ट पढ़ा पा रहा है, तभी ही आपका माइंड उसकी तरह हो पाएगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे तो बिल्कुल आपका माइंड वही रहेगा, शॉर्ट बिल्कुल नहीं आने वाला है। और आज का ज़माना क्या है, शॉर्ट है भाई, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। तो जहाँ पर कोई भी बंदा, चाहे मैं हूँ, कोई और बंदा है, अगर शॉर्ट पढ़ाना चाहता है तो शॉर्ट पढ़िएगा, ठीक है। ये मैं नहीं कहता कि मेरे ही पढ़िएगा, अगर और कोई बंदा आपके लिए शॉर्ट पढ़ा रहा है, शॉर्ट पढ़ाना चाहता है, और वो शॉर्ट पढ़ा रहा है आपके लिए, अच्छी ट्रिक दे रहा है, तो उसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपके लिए लेंथी बंदा पढ़ा रहा है, कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, चाहे ऑप्शन में आपका दे रखे हैं और ऑप्शन पहले ही आंसर हो जाता है, तो बिल्कुल आपको उसको फॉलो मत कीजिएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, अगर आपका बिल्कुल लो मीडियम है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपका लो मीडियम नहीं है और हाई मीडियम आप पहुंचना चाहते हैं, लो मीडियम आपने कर रखा है, ठीक है, तो बिल्कुल आप शॉर्ट ट्रिक वालों को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये मेरी सिर्फ राय दे रहा हूँ आपके लिए अच्छी प्रकार से रिविजिंग करने की। तो 38 क्वेश्चन को देख लेते हैं, कोई कह रहा है, ये कह रहा है, यदि किसी धन राशि पर, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 का कह रहा है, थोड़ा शोर था इसलिए मैं रोक दी थी, ठीक है। क्वेश्चन 48 कह रहा है, यदि किसी धन राशि पर 7 साल में साधारण ब्याज
दर पर वह राशि दोगुनी हो जाती है। 7 साल में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दोगुनी हो रही है कोई राशि, तो और कह रहा है वही राशि कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। अब आपने जानते होंगे साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है, सेम होता है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, सेम होता है। अगर वह कोई राशि एक थी, ठीक है, और 7 साल में क्या हो गई भाई, 2 हो गई। अगर जब सेम बढ़ती है तो 7 ही साल में क्या होगी, 3 गुनी होगी, और 7 ही साल में क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब वही पूछ रहा है कि 4 गुनी कितने साल में होगी, तो कितने साल में हुई भाई, 7 2 7 और 7 कितने हुए, 14, और 7 3 21, मतलब 21 साल में भाई 4 गुनी होगी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो अगर वो कोई चक्रवृद्धि ब्याज अगर कहे कि भाई 2 साल में कितनी होती है, 8 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने समय में भाई कितनी हो जाएगी, कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, ये 5 गुनी हो जाएगी, कुछ भी कहे। तो हमें क्या करना होता है इसमें, इसमें करना होता है आपके लिए ये वाली जो संख्या होती है इसका मतलब 2 साल में है, तो 2 के कन्वर्ट में काट देते हैं इसके लिए। तो कितना करेंगे, 2 2 दुनी 4 दुनी 8, ठीक है, 2 2 2 दुनी 4 2 दुनी 4 4 दुनी 8, ठीक है, 3 में हो जाएगी ये, 3 पे चली जाएगी, ठीक है, 2 दुनी 4 दुनी 8। तो इस प्रकार से ये 3 बार 3 बार घात हो गई, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी 3 बार घात हो जाएगी। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छी प्रकार समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है और क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए समझा नहीं पा रहा हूँ। जब ऑप्शन होंगे तभी समझा दूंगा, ठीक है। अगले मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगा इसके बारे में, पूरा सारे के सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 की, तो कह रहा है एक आदमी 450 रुपये की शर्ट खरीदता है, और फिर कह रहा है 750 रुपये की 4 पैंट खरीदता है, उसके बाद कह रहा है 750 रुपये की 12 जूते खरीदता है, वो कह रहा है औसतम खर्च का औसत इनमें कितना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी प्रकार समझाऊंगा आपके लिए। इसमें निकालना क्या होता है, पहली बात होती है जो रुपए, टोटल वस्तुओं के खरीदे गए रुपए, ठीक है, टोटल रुपए यहाँ पे हो जाएंगे ऊपर, और नीचे हमें क्या निकालनी होती हैं, वस्तुएं निकालनी होती हैं बस। अगर आपने टोटल रुपए निकाल लिए सारी वस्तुओं के और सारी वस्तु यहाँ पे लिख दी ऐड करके, और जब इसे सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। देखो किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसे, ऐसे दे रखा है 5 जूते कह रहा है कि 450 रुपये में खरीदे, एक जूता 450 में खरीदे, तो 5 कितने में खरीदेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 5 25 25 के 5 आ जाएंगे, ठीक है, और 5 चौक 20, ठीक है, 22 हो जाएगा। तो पहला तो हमारा हो जाएगा 2250, ठीक है। उसी प्रकार से कह रहा है कि 4 पैंट खरीदता है 750 रुपये की, 1 पैंट खरीद रहा है, तो 750 रुपये की 4 पैंट खरीदता है, तो बताइएगा 4 पैंट कितने में खरीदेगा, वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 5 20, 20 का 0 हो जाएगा, और 7 चौक 28 तो 30, ठीक है, 3000 रुपये हो जाएंगे ये। उसी प्रकार से कह रहा है कि 12 जूते, 750 रुपये के 12 जूते खरीदता है इतने रुपए के, तो बताइएगा एक जूता इतने में खरीदे, तो 12 जूते कितने खरीदेगा वो, और इतने रुपए के 12 जोड़े जूते खरीदता है, ठीक है, सॉरी रुकिएगा भाई, इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 12 से इतने की, तो आपके कितना हो जाएगा, ये 9000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। जब इन्हें ऐड करेंगे आप, जब इन्हें ऐड करेंगे आप सबके लिए, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 0, पहले ये तो छोड़ दीजिएगा, इधर ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 14, 14250 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वस्तुओं की बात करें तो 5 4 9, 9 और 12 कितनी हो जाएंगी, 21 हो जाएंगी। जब इसे भाग करोगे आप, ठीक है, जब इसे 4250 से 21 को भाग करोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ये वाला, ठीक है, 678.50। बस यही इसको सॉल्व करना था, इस प्रकार से ही सॉल्व होते हैं। ऊपर हमें क्या निकालना होता है, टोटल रुपए अमाउंट निकालना होता है, और टोटल वस्तुएं कितनी थी, ठीक है, टोटल वस्तुएं कितनी थी वो निकालनी होती हैं, बस ये ट्रिक बस फॉलो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट होती है यहाँ से, बाकी शॉर्ट नहीं होगी ये वाला क्वेश्चन, और जो अदर वगैरह क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 50 की बात करते हैं, किसी धातु का ठोस सिलेंडर को बनाने के लिए जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 45 सेंटीमीटर, ब्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, उसकी जो ब्यास वो कह रहा है कि इतने 6 सेंटीमीटर ब्यास वाले गोले पिघलाने पड़ेंगे, कितने पिघलाएंगे जो कि इतने सेंटीमीटर वाला सिलेंडर बन जाए, ठीक है, ठोस सिलेंडर बनाना है इनके लिए। तो हमें क्या करना होता है, इसका आयतन निकालना होता है दोनों का, ठीक है, आयतन पहले हमें गोले कितने पिला रहे हैं, तो गोले का सूत्र क्या होता है, 4/3 क्या होता है, पाई आर की क्यू होता है, 4/3 पाई आर की क्यू होता है। उसी प्रकार से सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर मतलब जो हमारा बेलन होता है, तो बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है।
पाई से पाई कट जाएगी बिल्कुल, 3 अदर रोड ऐड हो जाएगा ठीक है, 3 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। जब यहाँ से हट जाएगा तो क्या हमारा सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 4r³, 4r³ और 3r² h, ठीक है, क्या बनेगा 4r³ और यहाँ बनेगा 3r² h, ये बनेगा। अब इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो गोले की बात है तो गोला क्या कर रहा है, 6 सेंटर पर ला रहा है ठीक है, तो 4 × 6 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 × 3 × 3, उसी प्रकार से यहाँ पे कर दीजिएगा 3 × क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 × 2 और एच क्या दे रखा है हमारा, एच दे रखा है उन्होंने 45, यहाँ 45 हो जाएगा ठीक है, ये वाला हटा दीजिएगा। जब इसे करेंगे तो देखो 3 से ये वाला हो जाएगा, हाँ 3 से 3 कट जाएगा ठीक है। जब इसे काटेंगे आप सॉल्व करेंगे, जब इसे काटेंगे और ये वाला ये कट जाएगा और 3 से फिर कट जाएगा ये, तो इसी प्रकार सब काटते रहेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आने वाला है आपका 5 ठीक है, 5 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार सॉल्व करना है, बस क्या करना है, गोले का आयतन 4/3 πr³ और बराबर πr² h, जब इसमें फॉलो करोगे आप ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस सूत्र को फॉलो करोगे, इसी में सब ऐड कर दो, गोले वाले गोले में ऐड कर देना, बेलन वाले बेलन में ऐड कर देना ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है। बस यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन थे, कितने समय में कवर कर दिए, 41 सेकंड में कवर कर दिए, और बहुत समझाया है तो इतना कवर कर पाया हूँ ठीक है। तो बिल्कुल अगर मैं खुद सॉल्व करूँ तो 20 से 25 मिनट में पूरा की पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा मैं मैथ के साथ ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, 20 से 25 सेकंड में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है मैथ वाले को, जीएस को तो बिल्कुल समय नहीं लगता है ठीक है, अगर आप सब पढ़े हुए हो तो बिल्कुल 2 सेकंड या 5 सेकंड लगता है, 10 सेकंड के अंदर जीएस को कवर करके गोला भर पाते हो आप ठीक है। तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, वीडियो को अच्छे प्रकार से देखते रहिएगा। अगर 100 भाई अगर मेरे लिए 100 लाइक मिलते हैं ठीक है, 100 लाइक मिलते हैं तो बिल्कुल आपके लिए अच्छे प्रकार से पढ़ा पाऊँगा ठीक है। तो 100 लाइक आपको करना है, तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत का कमेंट जरूर छोड़ देना ठीक है। जय हिंद जय भारत।